न्यूज, खबरों की नई पहचान। कोयलांचल धनबाद में इन दिनों वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार लगातार कई दिनों से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट, वाहन के कागज, मास्क सहित कई अन्य चीजों की जांच हो रही है। चार पहिया वाहनों के भी ब्लैक शीशे उतारे जा रहे और बढ़ते अपराध को देखते हुए गाड़ियों की डिक्की को भी खोलकर जिला पुलिस जांच कर रही है। इसी क्रम में आज वाहन चेकिंग के दौरान एसएसपी आवास के समीप हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पुलिस ने कई झामुमो कार्यकर्ताओं का मोटरसाइकिल जांच के दौरान रोक लिया। अभी जो माहौल चल रहा है, ठंडा दिमाग से काम कीजिए। फैमिली को दिक्कत हो रहा है, हम लोग का दिक्कत हो रहा है, पब्लिक का नहीं समझ रहा है। हम लोग पब्लिक का शिकायत आ रहा, तब ना हम करना पड़ा। हाँ, तो हमारा सामने उंगली उठा रहा है, बार बार उंगली उठा रही लगी हुई है। दादा, पुलिस क्यों है, क्या हुआ, क्या विवाद हुआ पुलिस से आपका? वो कोई विवाद नहीं है, जाँच प्रक्रिया प्रशासन का चल रहा था। एक हमारे कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन के लिए जा रहा था, उसी बीच में उनको पसीना आया, पसीना के कारण हेलमेट खोला, उसी बीच में उनको रोकवा दिया गया। ऐसा कोई बात नहीं है, मामले की है। फिर आगे अभी क्या हो रहा है? तो उनका जांच चलेगा, सहयोग चल रहा है, लेकिन हमारा अपील है पुलिस से, प्रशासन से और सभी से कि व्यवहार को थोड़ा शालीनता करे। प्रशासन जितना परेशान है, स्वास्थ्य कर्मी जितना परेशान है, पब्लिक भी उससे ज़्यादा परेशान है, इसलिए थोड़ा सा व्यवहार में शालीनता आना चाहिए, भावना को जानना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। उसके साथ क्या हुआ, जिसको हेलमेट खोला उसके साथ क्या किया? रोक के ये कर रहा था, आइंदा इस तरह से नहीं होना चाहिए। किसके साथ? चाबी भी जब्त कर लिया जा रहा है। चाबी जब्त कर लिया जा रहा था।